Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो आज से मैंने सीरीज शुरू की है किड्स के लंच बॉक्स रेसिपीज। तो चलिए आज पहली रेसिपी स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंच बॉक्स रेसिपीज बनाते हैं। चलिए फ्राई पैन के अंदर एक डेढ़ टेबल स्पून जितना तेल डाल दीजिए और एक टेबल स्पून जितना मक्खन डाल दीजिए और इसे मेल्ट हो जाने दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं 1/4 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देती हूँ और इसे कुछ नहीं सिर्फ आधे मिनट तक फ्राई कीजिए। जब आधा मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्याज छूंदा कर रखी है, मैं वो डाल देती हूँ। इसके साथ साथ आधा मैंने गाजर बारीक काट कर रखा था वो डाल देती हूँ और एक छोटा सा शिमला मिर्च बारीक काट कर रखा था वो डाल देती हूँ। और चूल्हा मीडियम कर दीजिए और इसे 2-3 मिनट तक फ्राई कीजिए। बस बात ये है कि कच्ची पक्की हो जाए वहाँ तक ही हमें प्याज और ये सारी चीज़ें सब्जियाँ फ्राई करनी है। जब 3 मिनट हो जाए चूल्हा कर दीजिए स्लो आँच और यहाँ पर डाल दीजिए 3/4 कप जितने बॉयल करे हुए पास्ता। आप कोई भी शेप डाल सकते हैं और 1 कप तक भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ 4 टेबलस्पून मायोनीज के डाल देती हूँ मैं और 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, चुटकी भर नमक क्योंकि मायोनीज में नमक होता है, 1/4 छोटे चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस। आप चाहें तो इसी वक्त 1/4 छोटे चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब या ऑरेगानो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं एंड में डालूंगी। अब ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अगर आपको कोई भी चीज़ एडजस्ट करने जैसी लगे तो कर दीजिए। जैसे स्पाइस कम लग रहा है तो चिली फ्लेक्स ज़्यादा और डाल दीजिए या फिर काली मिर्चों का पाउडर भी और थोड़ा ऐड कर दीजिए। नमक कम लगे तो नमक एडजस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ चूल्हा कर देती हूँ बंद क्योंकि मेरा फ्राई पैन काफ़ी देर तक गर्म रहता है। मुझे बस दूसरी चीज़ें नहीं लेकिन थोड़ा सा मायोनीज कम लगा तो मैं 2 टेबल स्पून और मायोनीज डालकर मिक्स कर रही हूँ और 1/4 छोटे चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स डाल दीजिए। अब आप चाहें तो मिक्स हर्ब डालें या ऑरेगानो डालें, मैं एंड में डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्टार्ट में भी डाल सकते हैं जब आप पास्ते के साथ बाकी की सारी चीज़ें डालते हैं। चलिए चूल्हा तो वैसे भी बंद है ही, यहाँ पर मैं कुछ देर बाद मतलब कुछ मिनटों के बाद इसे भर लेती हूँ लंच बॉक्स के अंदर। बढ़िया से मज़ेदार से रेडी हो गए हमारे पास्ता, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और इसमें चीज़ नहीं है तो ठंडा होने के बाद है ना वो जम नहीं जाते तो बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। इसके साथ साथ मैं थोड़े से फ्रूट्स डाल देती हूँ और थोड़े से नट्स यानी कि काजू डाल देती हूँ और ये बन गया हमारा किड्स स्पेशल लंच बॉक्स। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले वीडियो के लिंक्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।